अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? बेटा तुम्हारे ससुराल। क्यों, वहां क्यों जा रही हैं आप? 3 दिन हो गए हैं, तुम्हारे ससुराल में से कोई नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं खुद जाके वहां बात करती हूँ, ताकि तुम्हारे ये मसला तो हल करा सकूँ ना। सिर्फ मेरे मसले का हल? आप ही के मसले का कोई हल नहीं? आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है? मलिया, मैंने ही अम्मी को वहां जाने को कहा है। क्या हो गया यहाँ पे आपको? जो लोग गलती पर होकर भी अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे हैं, तो आप अम्मी को उनके पास भेजना चाहती हैं? क्या वो हमारी अम्मी की इज्जत करेंगे? मलिया, अम्मी की इज्जत में कुछ नहीं होगा, बल्कि सबसे ज्यादा अम्मी की ही इज्जत है वहां पर। और अम्मी तुम्हारे लिए ही बात करने जा रही है ना, तो आपने अपने लिए बात क्यों नहीं करने दी? क्योंकि तुम उस घर की बहू हो, मैं उस घर की बहू नहीं हूँ। तुम्हें वो इज्जत से लेके गए थे यहाँ से, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं तुम्हें यहाँ पर? लेकिन आपी मलिया, मेरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम कब तक हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे बेटा? किसी को जाके तो बात करनी पड़ेगी ना उनसे, पता तो चले आखिर वो लोग चाहते क्या है। नहीं, हरगिज नहीं। मैं चाहे उम्र भर ही यहाँ क्यों ना बैठी रहूं, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आता? गलती उनकी है, हमारी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो मलिया? फायजा और मैनास की तरह तुम भी अपना घर उजाड़ कर वापस आ जाओ? नहीं बेटा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं सह पाऊंगी। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं रोकोगी यसानी भाई से बात करने से। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकती, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा करें। पापा जब तक आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने आप ही के साथ ऐसा सलूक क्यों किया है, आप घर आके मुझे मजबूर नहीं करेंगे जाने के लिए। मलिया, ये कैसी शर्त लगा रही हो तुम? और अगर उन्होंने मानने से इंकार कर दिया तो? बस आप मेरी यही शर्त समझे अम्मी। ये कौन आ गया है?